नमस्कार दोस्तों, आप सभी राजस्थानी भजन प्रेमी मित्रों का हमारे चैनल पे हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज के इस वीडियो में एक बहुत ही प्यारी सी राजस्थानी धुन सीखने वाले हैं, और जो धुन सीखेंगे वो बजेगी सारे मापादासा स्केल के अंदर। यानी अगर आप भजन सारे मापादासा स्केल में गा रहे हैं तो उस धुन को आप अपने भजन के बीच में बजा सकते हैं, बिल्कुल देसी अंदाज में, देसी तरीके से, और देसी धुन सीखने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, और साथ ही अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कर देना, और चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरुआत करते हैं। और इस धुन के अंदर कौन सा स्केल लग रहा है, कौन कौन से सुर लग रहे हैं, कैसे इसको बजाना, ये सारी बातें इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ। आपको प्रैक्टिस करना है, धुन है जो उसकी जो तर्ज है उसको, आपको जो ट्यूनिंग है उसको समझना है, वो अपने दिमाग में लेनी है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं धुन आपको बजा के बताऊँगा, उसके बाद में आपको धीरे धीरे अपन लोग सीखेंगे। तो दोस्तों, मैं इसको तीसरी काली से बजाऊंगा और सुर लगेंगे सा रे मा पा धा सा, सा रे मा पा धा सा, ये वाला स्केल लगेगा। और दूसरा जो स्टेप होगा उसके अंदर ये पा लगेगा, ये। तो तीसरी काली से सा हो गया ये, दोस्तों जो स्केल में अभी बजा रहा हूं सारे मापादासा, सारे मापादासा, उस स्केल में बहुत सारे राजस्थानी भजन है, और उन भजनों के बीच में आप ये धुन बजा सकते हैं। चलिए सबसे पहले आपको धुन सुना देता हूं, उसके बाद में सीखते हैं। तो दोस्तों, सुर काम में आ रहे सा रे मा पा धा, ठीक है, सा रे मा पा धा। अब देखो शुरुआत कहां से हो रही है, पास है, पास से शुरुआत हो रही है, देखें। पहला स्टेप ये हो गया, पा पे वापिस इसका ठहरा हो रहा, देखो। अब यहां मां पे ठहरा हुआ, पहले पा पे फिर मां पे, ये देखो। यानी एक 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 सुर इस साइड में आगे बढ़ रहे थे, वापिस देखना। तो सेम का सेम स्टेप सभी सुर पे एक स्टेप चल रहा है, ये देखो। ये तो धुन कैसी है, ना 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 इस तरीके से। अब जो दूसरा स्टेप है वो देखते हैं, यहां से देखो पा लगेगा, सा से पा। यानी पा से वापिस पा तक जाना, देखो। पा पे आ गए, पा पे आ गए, देखो। Yeah.
आने वाला स्टेप है साहब, पा मा रे सा, पा पा मा रे सा, ये दोस्तों ये जो धुन है आपको अपने स्केल के अंदर बजानी, आप जिस स्केल में भजन गाते हैं उसी स्केल में, मैंने तीसरी काली से बताई, जैसे आप चौथी काली से भजन गा रहे हैं तो उसमें सारे मापादासा वाला स्केल देखना है और उसी स्केल में ये धुन बजेगी। धन्यवाद मित्रों।